हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करें देसी में सीखो चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। हेलो दोस्तों एंड वेलकम। दोस्तों आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइटरूम इफेक्ट के बारे में कि लाइटरूम में हम लोग प्रीसेट्स कैसे इंस्टॉल करें। मैं आपके साथ कुछ प्रीसेट्स इसमें शेयर भी करूँगा जो कि इस प्रीसेट्स का नाम है स्पोर्ट प्रीसेट्स है लाइटरूम का। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, सिंपली इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ये फाइल KB में है लेकिन आपको इसमें 100 प्रीसेट्स मिल जाएंगे लाइटरूम्स के। ओके, ग्रुप में काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स भी की थी और भी मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया था कि मुझे लाइटरूम के कुछ प्रीसेट्स चाहिए। ऐसे में मेरे पास हज़ारों में प्रीसेट्स है जो मैं आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये 100 प्रीसेट्स को आप डाउनलोड कर ले, देन से उस प्रीसेट में कैसे कैसे इफेक्ट्स है, कैसे कलर करेक्शंस है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो के साथ बने रहे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि उस सारे प्रीसेट्स को आप देख पाए, देन उसे डाउनलोड करें। वैसे भी ज़्यादा कुछ हैवी फाइल नहीं, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, करीबन 1 MB से भी कम की फाइल है। ओके, तो इसके लिए आपके पास लाइटरूम इंस्टॉल होना चाहिए। अगर लाइटरूम आपके पास नहीं है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें या फिर हमारे ग्रुप में किसी तक मैसेज करें, मैं आपके साथ लिंक शेयर जरूर करूँगा। ओके, और यहाँ पे मैं लाइटरूम का CC वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी 2018 इंस्टॉल नहीं किया, मैं बस कुछ दिन में इंस्टॉल कर लूँगा क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ अपने सिस्टम को एक बार रीसेट करने के लिए, इसलिए मैं अभी तक कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं किया। जब मैं रीसेट कर लूँगा तो ऑटोमेटिकली मैं सारे चीज़ अपडेट कर लूँगा। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए सिंपली उस प्रीसेट्स के तब से चलते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे प्रीसेट्स है, क्या क्या कलर करेक्शंस है, देन उसे आप डाउनलोड कर लें और आसानी से यूज कर सकते हो। सर कैसे आप अपने लाइटरूम पे इंस्टॉल कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, आप ध्यान से देखें। 2 प्रोसीजर बताऊंगा, इन दोनों प्रोसीजर से किसी एक से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्रीसेट्स को, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ में और भी बहुत सारे प्रीसेट्स आने वाले हैं लाइटरूम को लेकर। ओके, तो चलने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, किस तरह की वीडियोस मैं अक्सर लाता हूँ तो आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आया तो अपने डेस्कटॉप पे जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करेंगे तो ये कुछ इस तरह का जिप फाइल होंगे आपके सामने, 100+ स्पोर्ट्स लाइटरूम प्रीसेट्स। ओके, ये बहुत ही छोटी फाइल है, आप मतलब आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, KB में है, आई थिंक मतलब सेकंड में भी आपके डाउनलोड हो जाएगा ये फाइल। ओके, इधर इसे राइट क्लिक करके फोल्डर एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कुछ 100+ प्रीसेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि 110 प्रीसेट्स है जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इन प्रीसेट्स को कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लाइटरूम में वो मैं दिखाने जा रहा हूँ, और उसमें कैसे कैसे इफेक्ट्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सिंपली यहाँ पे सर्च करें, मैं सर्च करता हूँ लाइटरूम, मैंने इंस्टॉल कर रखा है ऑलरेडी। आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आप तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर है फोटो को फाइनल रिजल्ट देने के लिए। ओके, अब मैं यहाँ पे कुछ फोटो पहले ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मैं ये फोटो ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ये कुछ मैंने ये फोटो ओपन कर लिया यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे देखिए अभी लाइब्रेरी मोड में हूँ, यहाँ पे जितने सारे फोटोज है वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो मुझे वो प्रीसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए, प्रीसेट डालने के लिए आपको डेवलपर मोड में आना जरूरी होता है। तो यहाँ सिंपली डेवलपर मोड में आ जाए, ये देखिए मैंने यहाँ पे फोटो ये कुछ इस तरह से है, यहाँ डेवलपर मोड है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स होते हैं कलर करेक्शन होते हैं जो कि इमेज में आप कर सकते हैं, मैनुअली यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आपके पास प्रीसेट्स है तो यहाँ पे देखिए प्रीसेट्स का एक फोल्डर है, यहाँ पे सारे फोल्डर में ऑटोमेटिकली जब इंस्टॉल करेंगे प्रीसेट तो ये सारे कुछ ऑटोमेटिकली होते हैं जो यहाँ पे दिए हुए रहते हैं, यहीं पे हमें उसे इंस्टॉल करना है। जितने भी प्रीसेट्स मैं आज के बाद अपलोड करूँगा इसके भी सीरीज आएंगे, ये पहला सीरीज होगा ये प्रीसेट्स का, इसके जितने भी सीरीज आएंगे वो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा, आप लोग भी इसी तरह से अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारे फोल्डर बने हुए हैं, सेलेक्ट करते हैं इसे, इसको किस किस प्रीसेट में क्या क्या इफेक्ट है, यहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है आपको, इसे सेलेक्ट कर ये देखिए क्या क्या कलर करेक्शन हो रहे हैं, सारे के प्रीव्यू यहाँ पे दिख रहे हैं। अब फाइनली हम लोग चलिए उसे इंस्टॉल करते हैं, जो मेरे पास प्रीसेट है डेस्कटॉप पे उसे कैसे करना है। सिंपली क्या करें, यहाँ पे रख करके हम राइट क्लिक भी कर सकते हैं। दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, दोनों मेथड को आप सही से देख लें। यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ इंपोर्ट करके यहाँ फोल्डर बना सकते हैं, यहाँ पे फोल्डर बन जाएगा, देन उस फोल्डर में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एडिट पे आ जाए, प्रेफरेंसेस पे आ जाए, प्रेफरेंसेस पे आने के बाद यहाँ पे आ जाए प्रीसेट्स में, प्रीसेट्स में आने के बाद यहाँ देखिए शो लाइटरूम प्रीसेट्स फोल्डर, सिंपली इस पर क्लिक करें आप, क्लिक करें लाइटरूम के फोल्डर के लाइटरूम को खोलें आप। लाइटरूम को खोलने के बाद यहाँ डेवलपर प्रीसेट्स है, सिंपली इसे ओपन कर ले, ये ओपन हो गया। अब मैं उस डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ जहाँ पे मैंने वो फाइल रखी है, जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ डेस्कटॉप पे, ये मेरा प्रीसेट का फोल्डर, इस फोल्डर को पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी करके कॉपी
एंड देन आ जाता हूँ इस फोल्डर पे जो मैंने अभी ओपन किया यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे से पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया। अब इसे क्लोज, ओके, और क्या करते हैं यहाँ पे आने के बाद, सॉरी वो यहाँ पे नहीं आया, तो आई थिंक मुझे ये क्लोज करके वो एक बार ओपन करना होगा आपको। यहाँ से फिर खोल ले लाइटरूम, ओके, एक बार मैं अगर वो इंपोर्ट करने के बाद वो डायरेक्टली वहाँ पे शो नहीं होगा, तो आप एक बार लाइटरूम को क्लोज करके देन ओपन करें, वो शो होने लगेगी, जैसे कि आप देखेंगे अभी। ये देखिए आपने 100 प्लस स्पोर्ट्स लाइटरूम प्रीसेट्स, ये जो भी फोल्डर का नाम रहेगा वो फोल्डर का नाम यहाँ पे शो होने लगेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो सारे इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे कुछ इस तरीके से। ये एक तरीका था, एक दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, राइट क्लिक करें, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक करें, न्यू फोल्डर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमाल, कुछ भी प्रीसेट्स का नाम दे देता हूँ, क्रिएट, ये फोल्डर बन गया। अब इस फोल्डर पे रखकर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन आएगा, इंपोर्ट जो भी जहाँ भी वो प्रीसेट्स रहेगा उसको सिंपली इंपोर्ट कर लेंगे, यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, वो इंपोर्ट हो जाएगा, बस फोल्डर ऑटोमेटिकली मेरा बन चुका है, ठीक है। अब जैसे कि डेस्कटॉप पे आते हैं, ये है, ये सारे इफेक्ट को कंट्रोल एक सेलेक्ट कर ले, इंपोर्ट कर ले, तो सेम कमाल नाम के फोल्डर के अंदर भी सारे इफेक्ट वही आ जाएंगे, मेरा सेम आ जाता है इसलिए मैंने नहीं किया, सिंपली से हम अभी डिलीट कर देते फोल्डर को, ओके। ये आगे हमारा 100 प्लस स्पोर्ट्स लाइटरूम प्रीसेट्स, ओके। अब वन बाय वन आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं कि क्या क्या इफेक्ट आएंगे, जैसे ये यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको दिख रहे होंगे, सेलेक्ट करें तो देखें, अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे बिग प्रीव्यू आपको यहाँ पे भी दिखेंगे, देख रहे हैं कितना ऑसम कलर करेक्शन होते हैं, प्रीसेट्स होते हैं, ये खास करके स्पोर्ट के लिए है, आप अगर यूज करना चाहते हैं इस तरह के इफेक्ट्स तो आप वन बाय वन चेक कर ले और अपने फोटोज में अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्रीव्यू आप यहीं पे देख ले, देन आप क्लिक करें तभी आपको यहाँ पे प्रीव्यू होगी, ओके। और इसे अप्लाई करने के बाद और भी कुछ चेंजेस कलर करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से भी। तो ये रही हमारे लाइटरूम के 100 प्लस प्रीसेट्स, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और इस वीडियो को लेकर किस तरह का कोई भी डाउट्स है, प्रीसेट्स आप अपलोड नहीं कर पा रहे अपने लाइटरूम में, तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, किस तरह के वीडियोस मैं अक्सर लाता रहता हूं, आपके लिए इंटरेस्टिंग और यूजफुल होते हैं, तो बिना टाइम गवाए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इस तरह इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।